मारने के लिए कोई भी मार सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा कानून व्यवस्था है कहाँ। अच्छा। सवाल ये, देखिए मारने के लिए कोई बात नहीं, जो इंदिरा गांधी को मारा विकास दुबे तो हौ दुबे तो हर सपान मिले अजीत दुबे का भी तो गाड़ी पलटा था, उस समय कोई नहीं बोला, काय बोला बोले वो हिंदू था तो नहीं बोला, नहीं नहीं कोई नहीं बोला। ये यूपी पुलिस सक्षम नहीं है, लेकिन जौना हिसाब से यूपी पुलिस वो काम कैले बटे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। क्या चीज का सवाल खड़ा होता है? सवाल कौची के, सुनिए मैं बताता हूँ कौची के बताओ तरिया बताओ सबका बोला जब तू भगब एक मिनट एनकाउंटर के भी संविधान में जगह बा पुलिस बा कि ना हो आना बोला बावे हो या ना यस या नो बा इरफान भाई ओकर प्रधान बा कि कब तरह ये गलत बात है विकास दुबे का। नमस्कार, आपका स्वागत है एजीएस में और आज हम मौजूद है सिवान का ये डायरेक्टर साहब है और इनको आप जानते हैं ये बीबीसी लंदन जो सिवान से सोशल मीडिया पे काफी वायरल रहने वाले हैं इरफान भाई और हमारे साथ ये हैं दीपक सिंह कश्यप जो बात आपकी ये पेज चलाते हैं। हम इनसे बात करेंगे, मुद्दा यही रहेगा कि उमेश पाल की हाथ जो नाम आई थी अतीक अहमद के परिवार के साथ उसमें अभी जो कल रात को मार दिया गया है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को, उसके लेकर हम चर्चा करेंगे आपस में किनका क्या क्या राय है। सबसे पहले दीपक भाई आप एक चीज़ बताइए हमें कि जो एक रात को हत्या जो 44 सेकेंड में जो हत्या है इस पर आप क्या कुछ बताएंगे? काम है दहशत फैलाना, अगर हो सकता है कि वो यंग लड़के हैं और यंग लड़के के दिमाग में ये रहता है कि बड़ा चेहरे का मारेंगे तो मेरा नाम पूरा हिंदुस्तान में चर्चा होगा, हो सकता है इसको लेकर वो लो मारा होगा। लेकिन एक वो लड़का जो मारने वाला था वो मार के फिर जय श्री राम का नारा भी लगा रहा था, इससे क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता है किसी का उसके पीछे हाथ था या उसको? देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होता। आ रही बात दूसरों लोगों का, आपने देखे होंगे अक्सर जो उस जगह पे कुछ लोगों पे गोली चला के बम चला के अल्लाह अकबर कहते हैं तो हो सकता है इनका भी वही होगा। ये हिंदू धर्म के हैं तो ये हो सकता है कि अपना दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम हिंदू वाला नेता बने। इरफान भाई आप एक चीज हमें बताएं, आप काफी नाराज है, आज रोजा भी, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो कस्टडी में हुआ है वो कस्टडी में ऐसे हत्या आप क्या कुछ बताएंगे? देखिए ये तो होना नहीं चाहिए, कस्टडी में नहीं होना चाहिए। उतना पुलिस के प्रशासन के रहते हुए कोई आता है और 44 सेकेंड में दौड़ 17-18 गोली मारता है और उसमें लहू लुहान कर देता है, ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात रहेंगे, ये तो जो अतीक अहमद है वो गलत आदमी है ही था। हाँ। इसको सजा तो कोर्ट फांसी के सजा दे ही दी है, इस पर न्यायालय पर उस पर बात तो चल रहा था, उनका जो सजा होगा वो तो दे। इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके गांधी जी से लेके सबका हाथ हुआ है, मगर सवाल जब आता है तो आदमी तो जवाब देगा ही, ये थोड़ी अगर चुप रह जाएगा। कोई भी होता है गलत या सही होता है तो मीडिया है एक दूसरे से सवाल करती है। कितना गलत क्या हुआ ये चीज बताइए? गलत यही हुआ है कि मान लीजिए कि हमारे संविधान को छोड़ के, ठीक है, अगर लोग है अपने अपने दुश्मनी अगर निकालने लगे तो कहाँ से संविधान है, कहाँ से हाई कोर्ट है, कहाँ से सुप्रीम कोर्ट, तब तो ये तो बंद कर देना चाहिए। नहीं चलिए अभिषेक भाई, यानी कि डायरेक्ट ऐसे आके सुरक्षा घर में, यानी कि हाथ में बैरियर लगा है उसके बाद से कोई आके मार दे, तो इस पे आप क्या कुछ ये बता रहे हैं कि संविधान खतरे में पड़ रहा है? देखिए ये बिल्कुल बोल रहे हैं, जो बात बिल्कुल सही है। आपको लगता है, आप हमको एक बात बताइए, हमें कोई तकलीफ होगी, अगर हमें कोई डरवाएगा, हमें कोई धमकाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? थाना जाएंगे। हम अपने न्यायालय के पास जाएंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, कि हम कौन होते हैं मारने वाले, ये सवाल है। वो आतंकवादी था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी पूरे देश पर शासन थोड़े है उसका मारा, वो भी अपराधी है, वो भी प्रशासन के सुरक्षा में तो ये सब हुआ है। आरे दे रहे थे, कोई नियम निकाल दो, ठीक है ना, मारने वाला झगड़ने वाला, देखिए कुछ दिन से चल रहा है जो किसी को मार दे रहा है, अब इसी पर भी गोली चला गया तो वो भी मारना और पीटना ये दो बातें हैं। जब आपके माइंड में होगा, मारने के लिए कोई भी मार सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा कानून व्यवस्था है कहाँ। सवाल ये, देखिए मारने के लिए कोई बात नहीं, जो इंदिरा गांधी को भी मारा गया, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष को भी मार दिया गया इस देश में, तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि अगर आपके साथ गलत होता है तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है, आप एट ए टाइम कर फैसला कीजिएगा, तो हमारा देश कहाँ रहेगा? अगर आप हमको गाली दें तो हम आपको गाली देते, तो हम बचे कहाँ? हम हमारे पास आपका वो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे देश का वो लॉ एंड ऑर्डर है कि आप गलत किए हैं तो हम उस ऑर्डर के पास जाए, उस लॉ के पास जाए,
ताकि आपको सजा मिले, हम नहीं होते आपको सजा देने वाले, ये गलत हुआ है। रजनीश भाई आप चीज बताया, जी न्यूज के पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, सबको आपका सम्मान करता है, संविधान क्या वाकई में खतरे में है? देखिए संविधान कबो खतरा में नहीं खड़ा रहा, हमेशा कहते हैं कि जो लिखित संविधान है, संविधान के कामना कैसन का हाथ में बा ये पर निर्भर करता है। हाथ में के देता है? जनता ही देता है, तो जनता ही ने फैसला करी। अगर खतरा लगी तो जनता बदल दी, फिर सुरक्षित हाथ में दी। दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, ये फैसला आप जनता न करिए। कतई नहीं है, कोई अगर ये बोल रहा है कि संविधान खतरा में है, इसको हम नहीं मानेंगे, ये चुटपुटिया तुच्छ, नहीं नहीं तुच्छ प्राणी। और कुछ लोग कहेंगे कि संविधान खतरा में है, ये मानने वाली बात नहीं है। संविधान हमारा विशाल है और इससे खतरा कभी नहीं हो सकता। संविधान की जड़ इतना कमजोर नहीं है जो खत्म कर जा सकता है, बदल जा सकता है। लोग जानता ना, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बा हिंदुस्तान, अगर ऐसा कांड लोगों की दुनिया में तो लोग हंसबे न करे। मुद्दा सब भटका के, सब मुद्दा भटका के, सब खाली विकास दुबे तो हो दुबे तो सपान मिले। अजीत तो गाड़ी पलटा था, उस समय कोई नहीं बोला, बोला वो हिंदू था तो नहीं बोला, नहीं नहीं कोई नहीं बोला उस समय, कोई नहीं बोला कि क्यों पलटी। अपराधी का कोई जात नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, सबसे पहले बात है। विडंबना बटे, ये विडंबना बटे जो हाँ हमरा जाता ला हूँ तो समर्थन करे, हम हूँ हूँ तो हम समर्थन करे। अरे ये भी गलत करता है, ओकर विरोध होके के चाहिए। आ ये भी सही घरों को उजाड़ा होगा उसने भी। विकास मीडिया ला पूछी, मान लग मीडिया ला लोग पूछी, वो तो बड़ा मीडिया ला तो लोग कितना कितना गलत कहते हैं, अच्छा होता है। वो तो आतंकवादी रहलन तो ओकर सजा ओकर लड़का का मिलल। मुस्लिम के ना मरले होयन, काई ना मरले होयन, आतंकवादी का बम फोड़ जात रही है बुलडोजर बाबा के नाम से। यूपी पुलिस सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में बटे एनकाउंटर में, वो बेरा गोलिया जाम हो गई लड़का, जब तीन गो लड़का आके तीन गो छोकरा के मार के चल गए सन। एनकाउंटर करे वाला यूपी पुलिस वो लोग के जाम हो गए। हम ही नहीं कहत यूपी पुलिस सक्षम नहीं है, लेकिन जौना हिसाब से यूपी पुलिस वो काम कैले बटे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। क्या चीज का सवाल खड़ा होता है? खड़ा होता सवाल कौन चीज है? सुनिए मैं बताता हूँ कौन चीज है। बताओ तनी, हम बताओ तनी, सुनिए ना, हम ही बताओ तनी, जो अतिक अमेहत के सुरक्षा की जिम्मेदारी केकरा हाथ में रहूंगा? पुलिस ना, बात सुनिए, बात सुनिए, पुलिस जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो शपथ लेता है रक्षा करने के लिए, वो बॉडीगार्ड है। आप मीडिया में है, आप ये माइक और आई का टांग के जाएगा तो आपका बैग चेक कीजिएगा तो आपको क्या पूछा जाएगा? बताओ सुनी ना, आप सवाल कीजिएगा। अरे महाराज सुनिए, आप सवाल कीजिएगा कि नहीं हमारे बैग का भाई, ये कहेंगे तू हमारे बैग चेक कर। सभी को नहीं मिलता है, इससे बड़ा खूंखार आदमी को इंटरव्यू लेने के लिए सभी को। अरे सबको मिलता है यार, बताओ तो नहीं, हम बॉडीगार्ड माने जानता नहीं क्या होला है। बॉडीगार्ड माने एगो कुत्ता भी होला ना, मालिक अगर केहू छू दे तो फाड़ दी साफ है, भले ओकर जान चल जाई। वो जो उन लोग काम में काहे ना कोगेलो, का कोगेलो काहे ना, कब तीन को जब मार दो, वो लोग मार दिया, गिरफ्तार तो हुआ ही है, सिलेंडर उन लोग किया ही है। अच्छा दीपक भाई, गिरफ्तार किया लो, ये बात सही बात है। गिरफ्तार बुझाता है तो पकड़ दो दो आदमी के, बुझाते ना कि ईद में लोग गाला मिलता है, लगता है लोग ईद में गाला मिलता है, इतना वजन दो तीन को लाइको मारले बरसाती को मत के, बुझाता है पकड़ ले गाला मिले समर्पण कैले भागे का डर लागत रहुए की हम भागे तो यूपी पुलिस हमारा एनकाउंटर कर दी, यही से आत्मसमर्पण। इरफान भाई खौफ रहे लगे, खौफ के चलते जय श्री राम के नारा लगा। जानते सब अब संसद में जाए, सब तो विधायक ना तो कोनो चीज के नेता बन जाए, ठीक है ना? वो तो जानते के दुनिया को पूरा एगो छाड़ दिनो, एगो सब पूरा पार्टी छाड़ दिया सन, त एको एगो पार्टी बा उ अपना ले ला बलात्कारी से लेके जितना भी बावे, उ एगो पार्टी बावे दुनिया का देशभक्त। त अति कामत कर रहलन उनका पर कगो केस बा, वो तो विधायक रहल बड़े नु, त अभी तो हर पार्टी में। अच्छा बताओ एगो में कोन पार्टी में? कांग्रेस के सब तो विधायक एमपी भाजपा में आ गेल सन ना, रूप तो वासी बसी होवे, एने से ओने, ओने से ओने, उन तरफ पिसाला के आम आदमी। सबसे ज्यादा सब आरजेडी में देखेलो, सबसे ज्यादा अपराधी तो आरजेडी में ही है, तो भगबो करल आरजेडी से, तो भगबो जेबो कर। जनता निकाय खड़ा होता है, भाजपा के नेता लोग बड़ बड़ जे प्रदेश अध्यक्ष रहल बा, मंत्री रहल बा, लोग कहता का जे पाप पुण्य के फैसला भइल हटे, उ लोग करिलो
उ लोग करी लोग बाबा एथी का ई भाषा माने सही भाषा हटे अब त लोग बाबा ट्वीट करते एकदम खतरनाक खतरनाक मायावती आज थोड़ी देर पहले ट्वीट कइले बानी कि उत्तर प्रदेश ना एनकाउंटर प्रदेश हो गइल बाबा नहीं बैठे एनकाउंटर के प्रोसेस उ लोग का राजनीतिक पे काम बाकी राजनीति करे के एनकाउंटर कावना प्रोसेस में होला ओकरा के जानल जरूरी बा एनकाउंटर तब होई जब रहुआ पुलिस के रिमांड से भागे लागे प्रोसेस के जरूरी बा पुलिस के जो परमिशन लेबे के बा जोन अपराधी है उतर सन के प्रोसेस देखो तर सन अच्छा कहीं ना कहीं मौका मिलल होई जा आई सुन लिए ना बता दे तनी लोग के अगर बढ़िया से जांच होता न तीन गो लइको धराइल बड़ सन ढेर जना के चेहरा से नकाब उठी आई सारा खेला पेला बटन उ सामने आ जाई तो बढ़िया से जांच होके तो वही पे तो संदेह बटे जे जांच बढ़िया से होके कुछ लोग कहत का जो अक्ति को अहमद के ये से मार दिया इलटे जो बहुत बड़ा राज खुले आला हो बिल्कुल हो सकता फिल्म में ना देखे नहीं रहुआ फिल्म में देखे नहीं फिल्म स्टाइल भइला हो सकेला फिल्मी स्टाइल भइला ही बा फिल्म में देखा जाला कि अगर हम फंसत नहीं कुछ नेता लोग फंसेला तो मरवा देला उ लइका कितना ले लो यहां अगर इस तरह के बात आवत तो तीन गो दोनों छोकड़ा बड़े सन ओमे बहुत सब कम उम्र के बड़े सन कनी के कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एकदम मुड़ी पर एकदम बढ़िया से पावर दिहल बा ऊपर से और थिंग दिहल बटे तबे बड़े सन कहले बड़े सन।